हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, Realme Narzo 50 Pro 5G डिवाइस में Realme की तरफ से सितंबर का मंथ का यहाँ पे इंडिया के अंदर एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आया है एंड मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी न्यू अपडेट के बारे में कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं एंड इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस में क्या कुछ नए फीचर्स यहां पे देखने को मिला है, साथ ही इस न्यू अपडेट को आप लोग अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करोगे और इस न्यू अपडेट का यहां पे वर्जन क्या देखने को मिला है इंडिया के अंदर। तो ओवरऑल इन सभी के बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, Realme Narzo 50 Pro 5G डिवाइस में Realme की तरफ से 8.05 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है एंड ये अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है Realme Narzo 50 Pro 5G यूजर्स के लिए, क्योंकि इस अपडेट के बाद उनके डिवाइस में काफी कुछ नए इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप लोग अपने डिवाइस में इस न्यू अपडेट को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके डिवाइस के सिक्योरिटी में सेप्टेम्बर का मंथ का यहाँ पे एकदम लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। इसके अलावा सिस्टम में फिक्स्ड सम नॉन इशू एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। तो आपके डिवाइस में इन दिनों जो भी इशू देखने को मिल रहे थे, बग्स देखने को मिल रहे थे, तो उन सारे बग्स को इस न्यू अपडेट के बाद फिक्स कर दिया गया है एंड आपके डिवाइस के सिस्टम स्टेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। साथ ही आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को भी यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। तो आपको यहाँ पे डेली टास्क में, मल्टी टास्किंग में, गेम्स में, ऐप ओपन क्लोज में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड फाइनली दोस्तों, इस न्यू अपडेट के बाद नेटवर्क में जियो 5G नेटवर्क को यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे आपका डिवाइस सपोर्ट करेगा जियो 5G नेटवर्क को इस न्यू अपडेट के बाद, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है। Realme Narzo 50 Pro 5G डिवाइस में जियो 5G सपोर्ट करेगा। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं कि इस न्यू अपडेट को आप लोग अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करोगे। तो सिंपली दोस्तों, आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है एंड लास्ट में आपको वहाँ पे वर्जन चेकआउट कर लेना है। वहाँ पर आपको 8.05 का न्यू वर्जन देखने को मिलेगा एंड सिंपली आपको इस न्यू अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके डिवाइस में ये न्यू अपडेट शो नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये न्यू अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी, जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शनों को लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।